Hello guys, welcome back to another video of Smart Gadgets. Hope you guys are doing absolutely fine. आशा करता हूँ मेरा previous video आप सबको अच्छा लगा हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोट्रॉनिक्स का एक टायर इन्फ्लेटर के बारे में। यहाँ पे आप इसका स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हो। ये 150 psi तक का एयर सपोर्ट करता है, LED लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है इसमें आपको, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है। तो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर हमें ये टायर इन्फ्लेटर है और इसमें कुछ एक्सेसरीज। ये जो है इसी केबल से एयर को फिल किया जाता है। पेपर वर्क है, पहला तो है इसका यूज़र मैनुअल, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और इसके साथ इसका वारंटी कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको QR कोड स्कैन करना होता है, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होता है प्रोडक्ट फोटो के साथ। साथ में जो एक्सेसरीज हमें मिलता है, इसका चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा नॉब्स। तो अभी बात करते हैं मेन इन्फ्लेटर के बारे में। ये कुछ इस तरह दिखता है, प्रोट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है यहाँ पे। इसके ऊपर भी सारे टॉर्च मिल जाते हैं आपको। एक जो है इसमें आपको ऐसे करके ये लगाना होता है, ये दूसरा साइड आपके टायर में जाता है। तो इसको पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है। पावर ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे 0 PSI आपको शो होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। ये जो बटन है यहाँ से आप लाइट को ऑन कर सकते हो। सेकेंड जो बटन आपको मिलता है, कितने PSI में सेट करना है आप अप एंड डाउन कर सकते हो। ये दोनों बटन से बीच का जो बटन है ये प्रेस करने से ये चालू होता है। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे इसका शो हो रहा है, फुल चार्ज है इसमें। ये बटन से आप इसको मोड चेंज कर सकते हो। अभी ये कार मोड पे है, इसके बाद ये बाइक मोड पे आता है, उसके बाद प्रेस करने से ये साइकिल मोड पे जाता है, फिर उसके बाद बॉल के लिए होता है ये। और यहाँ पे आप मैन्युअली अपने अप एंड डाउन करके इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। टाइप सी केबल से चार्ज हो जाता है। चार्ज करने के लिए इसको यहाँ पे इसका टाइप सी पोर्ट करने से यहाँ पे आपको लाइट दिखेगा। ये लाइट का मतलब ये चार्ज हो रहा है। अब ये जब फुल चार्ज हो जाएगा इसका लाइट जो है बंद हो जाता है। अब इसको जो है आप ऐसे करके यहाँ पे लगा के ऐसे यहाँ पे इसको सेट करके रख सकते हो। पीछे के साइड पे एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह छोड़ा हुआ है। तो चलिए इसको लेके टेस्ट करते हैं कितना जल्दी ये एयर को फिल करता है। Much, much later. तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने प्रोट्रॉनिक्स 5 को लेके अपने स्कूटी के टायर में हवा भरने। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नॉइज है, प्लीज इग्नोर इट। इस वाले टायर में मैक्सिमम 37 PSI तक का एयर जाता है, जो हमने अभी जस्ट पूरा खाली कर दिया है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है टायर को फुलफिल करने में। इसमें मैंने 37 PSI का एयर प्रेशर सेट कर दिया है। अब इसके दूसरे साइड को हमें अपने टायर के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर लेना है। अब इसके बाद M बटन को प्रेस करना है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कितना टाइम लग रहा है 37 PSI तक का एयर फुलफिल करने में, इसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसमें ऑटो कट का फीचर्स मिल जाता है। ऑटो कट मतलब आपको कोई बटन प्रेस करना नहीं होता है इसको बंद करने के लिए। आपने जितना PSI तक का एयर प्रेशर इसमें सेट किया है उतना हवा भर जाने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। मतलब एकदम से पावर ऑफ नहीं होता है, बस इसका एयर फ्लो बंद हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। 37 PSI का एयर प्रेशर फिल करने में इसको 2 मिनट 43 सेकेंड टाइम लगा। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये राइडर्स के लिए, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हर जगह में टायर में हवा भरना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही खास प्रोडक्ट है राइडर्स के लिए, और कॉम्पैक्ट होने के कारण इस प्रोडक्ट को आप इजीली बाइक पे भी फिट कर सकते हो। कहीं पे घूमने जा रहे हो या कुछ भी,
आप इसको इजीली कैरी करके ले के जा सकते हो, और फोर व्हीलर्स के लिए तो कोई बात ही नहीं। एक सिंगल चार्ज पे यह आपका सिंगल टायर को लगभग 50 टाइम्स फुलफिल कर सकता है। तो गाइज आप हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगातार लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।